हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MGJ और मैं आपका दोस्त अमजद ताहिर। दोस्तों, आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण 5 सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों का जवाब देने के लिए आपके पास होंगे सिर्फ 10 सेकंड। दोस्तों, ऐसे सवाल IAS, IPS, UPSC इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सवालों का जवाब पहले से जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी। हमारा पहला सवाल है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप दिन में कई बार उठाते हैं और कई बार रखते हैं? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब है कदम, जिसे दिन में कई बार उठाते हैं और दिन में कई बार रखते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, किस देश में महिलाओं को ड्राइविंग करने का अधिकार 2018 में मिला है? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब है, सऊदी अरब में महिलाओं को 2018 में ड्राइविंग करने का अधिकार दिया गया था। हमारा तीसरा सवाल है, एक इंटरव्यू में लेडी कैंडिडेट से पूछा गया, अगर आपके पति आपको जुए में हार जाएं तो आप क्या करेगी? लेडी कैंडिडेट ने क्या जवाब दिया जिससे लेडी कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया गया? लेडी कैंडिडेट ने जवाब दिया, मेरे पति मुझे जुए में नहीं हार सकते हैं क्योंकि संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति उस चीज को बेच सकता है जिस पर उसका हक हो या फिर उस व्यक्ति ने उस चीज को खरीदा हो और मेरे पति ने मुझे खरीदा नहीं है। हमारा चौथा सवाल है, कौन से देश में सन 1983 के बाद एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब है, वेटिकन देश में सन 1983 के बाद एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। हमारा पांचवा और आखिरी सवाल है, मैडम को हिंदी में क्या कहते हैं? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब है, मैडम को हिंदी में महोदया कहते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल MGJ को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, गुड डे।